हेलो गाइस, मैं उनीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यू न्यूज में। गाइस, उत्तराखंड में बुधवार को एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। नई दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस अचानक रेल पटरियों पर उल्टी दिशा में दौड़ने लगी, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर जाकर वह रुक गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस सफर के दौरान ही रेलगाड़ी में करीब 60 से 70 यात्री सवार थे, जिन्हें चकरपुर में सुरक्षित उतार कर बसों के जरिए उनके गंतव्य तक भेज दिया गया। उत्तराखंड में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी घटना है जब रेल दुर्घटना होते होते बची है। चंपावत के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा है कि हो सकता है किसी जानवर के टकराने के दौरान ही प्रेशर ब्रेक का इस्तेमाल होने से इंजन में तकनीकी समस्या आ गई हो, जिसके बाद रेलगाड़ी अचानक उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। बनबरसा से 2-3 किलोमीटर पीछे दौड़ने के बाद ही ट्रेन में चकरपुर में रुक गई और इस घटनाक्रम के दौरान ही किसी तरह के जान या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे कर्मियों ने ट्रैक पर जगह जगह छोटे छोटे पत्थर बिछा दिए, जिससे ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हुई और आखिरकार ट्रेन रुक गई। अचानक सामने आई इस घटनाक्रम से ट्रेन में सवार मुसाफिर डर गए। आखिरकार बिना किसी हादसे के ट्रेन रुकने पर लोगों की जान में जान आई। सीपीआरओ पंकज सिंह ने बताया है कि तत्काल ही मामले की जांच शुरू की गई है और वहीं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड को सस्पेंड भी किया गया है। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।